गौतम बुद्ध नगर के एनटीपीसी परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार और उसकी पत्नी का संदिग्ध अवस्था में शव कमरे में पड़ा मिला। साथ ही उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट से पता चला है कि दोनों की मौत की वजह पति पत्नी के बीच चल रहा आपसी विवाद था। दरअसल सुजीत और वर्षा किरण ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। इसके बाद से ही इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। आए दिन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। इसी बात के चलते सुजीत ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, इसके बाद उसने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। साथ ही उसने अपनी मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें मृतक सुजीत कुमार ने बताया कि पारिवारिक कलह की वजह से मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, इसीलिए पहले मैं उसकी हत्या कर रहा हूँ और उसके बाद खुद अपनी जान देने जा रहा हूँ। एनटीपीसी प्लांट दादरी के आवासीय परिसर में सीआईएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर सुजीत और उसकी पत्नी वर्षा किरण की डेड बॉडी उनके फ्लैट में मिली है। सुसाइडल नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें सुजीत के द्वारा उल्लेख किया गया है कि मैं अपनी पत्नी की जीवन लीला समाप्त करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। दोनों में लव मैरिज हुआ था, घर के लोग इससे प्रसन्न नहीं थे। दोनों में किसी बात को लेकर के आपस में वाद विवाद होता रहता था, दोनों संतुष्ट नहीं थे। ये जांच का विषय है। फिलहाल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दोनों बिहार के रहने वाले हैं, परिजनों को सूचित। आपको बता दें कि सुजीत और वर्षा दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।